हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिसका सभी को इंतजार था वो टाइम आ चुका है जब IEEE 2022 की काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि कब काउंसलिंग की डेट आएगी, तो डेट आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम ही बनता है कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो प्लीज़ यार एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मेरे क्या है कि दो चैनल हैं अभी यूट्यूब पे, अपना ये वाला एक चैनल है BMS मेड, वो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और एक अपना दूसरा चैनल है जो कि हमारा है एडमिशन सपोर्ट के नाम से। ठीक है, तो आप इसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी है रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या जो शेड्यूल आया है वो कब से कब तक है, बाकी का ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है कब से कब तक है, और कैसे क्या चीज़ें आगे होंगी वो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। चलिए आपको मैं ले चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको शेड्यूल मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आगे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो अपनी 10 नवंबर होगी 2022 से लेकर 14 नवंबर तक, तो जो डेट चलेगी काउंसलिंग अपनी 11 से 14 के बीच में रहेगी, सीट अलॉटमेंट 15 से 16, और एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट 17, और रिपोर्टिंग अपने जो टाइम रहेगा वो हमारा 18 रहेगा। एंड उसके आफ्टर 5 डेज के बाद हमारा दूसरा सेकेंड राउंड शुरू होगा 1 दिसंबर से लेकर 5 तक वही, और चॉइस फिलिंग का हमारा 2 से 5, एंड जो भी हमारा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 6 तारीख, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 8 तारीख, और रिपोर्टिंग का टाइम हमारा 9 से लेकर 17 तारीख तक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो है काउंसलिंग के बारे में बता दिया, और इसी जो भी डिटेल्स है वो आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी। और अगर आप हमारे थ्रू पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पेस गाइडेंस आपको चाहिए पेड वाला, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इसके बाद कि ये अपना फर्स्ट और सेकंड राउंड को हो गया, अब बात हमारी आती है मोपो थर्ड राउंड की। ठीक है, तो 23 दिसंबर से लेकर 27 तक अपना चलेगा रजिस्ट्रेशन, जो हमारा चॉइस फिलिंग होगी वो 24 से लेकर 27 तक होगी, और जो अलॉटिंग वाला है अपना 28 से 29, और जो पब्लिकेशन रिजल्ट यहाँ पर 30 को रहेगा, और 31 तारीख को अपना जो है आपको रिपोर्टिंग करनी होगी जाके। इसी तरह स्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट पहले शो होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो सब चीज़ यहाँ पर 11 से 15 के बीच में होगी, और जो फाइनल रिपोर्टिंग होगी आपकी वो 18 से 24 के बीच में होगी। तो ये हमारा शेड्यूल था IEEE का। ठीक है, तो अभी जो भी लोग सोच रहे थे IEEE में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैंने पिछली वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से कॉलेज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 10 तारीख से तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे कमेंट करके बता जरूर बताइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।